जस्ट वॉन्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट, ये मैं ज़रूर बोलूँगी. और जेन्यूनली मुझे ऐसा लगता है कि शालीन डिजर्व करते हैं ये ब्रेक इस वक्त. ऑब्वियसली खुश है, बच्चों से भी मिले. हाँ बिल्कुल. आई थिंक शालीन और मेरा रिलेशनशिप, मैं बहुत नाराज़ भी सबसे ज़्यादा शालीन पे होती हूँ, लेकिन एक चीज़ तय है, और चाहे वो कोर्ट अपील हो चाहे कुछ भी हो, आई थिंक आई वॉन्ट हिम टू ग्रो इन लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शालीन एक ऐसे पड़ाव पर है अपनी जिंदगी के कि वो एक बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, क्योंकि उनका रिलीज 83 बेकाबू कर रहे हैं. एंड ही इज़ अ गुड एक्टर यार, वो बहुत मेहनती एक्टर है, बहुत अच्छे डांसर हैं, एंड आई थिंक ही गॉट वॉट ही वॉन्टेड एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो बिजी होंगे, काम करेंगे. एंड आई हैव ऑल द लव एंड सलमान सर ने भी उनके लिए कुछ सरप्राइज रखा है जो सुनने में आया है. सलमान सर के साथ वो डाल दी नाइस, आई डोंट नो द बी नाइस. या सो देयर इज जस्ट नॉट टू मेनी कैमरास ऑन दिस. आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट, ये मैं ज़रूर बोलूँगी. और जेन्यूनली मुझे ऐसा लगता है कि शालीन डिजर्व करते हैं ये ब्रेक इस वक्त, क्योंकि चाहे वो डांसर हो चाहे वो एक्टर हो, पहले से ही बहुत अच्छे एक्टर हैं और फाइनली इज गॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्लेटफॉर्म. सो ऑल द बेस्ट टू हिम और बहुत खुश है मेरी जिंदगी के लिए. जब भी मिलते हैं बहुत बहुत खुश है जेनन के लिए. कल मैंने ऑस्कर अवार्ड मेरा इंडिया के लिए. आई नो तुम लोगों ने सेलिब्रेट किया कि नहीं? किया 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 क्या किया तुम लोगों ने? मिठाइयां खाई? आई नो आई एम सो हैप्पी. और एक्चुअली वो गाना ऐसा चलता है ना, और पता है बॉलीवुड, ऑनेस्टली बोलूं, रिकग्निशन की बॉलीवुड को जरूरत नहीं है. आप फिरंगियों से भी पूछोगे ना, शाहरुख खान हो सलमान खान हो, सबको पता है, लाइक दे नो. और गाने आप उनको वर्डिंग नहीं पता होगा लेकिन उनको स्टेप कोई ना कोई पता होगा. सो बॉलीवुड इज एनी वेज वेरी फेमस, बट ऑस्कर में रिकग्निशन बार बार मिलना अब इज सच अ प्राउड फीलिंग. और लगता है यार ये होती है ना पावर. पहले तो बॉलीवुड बायकॉट चल रहा था. मैं चलो अंदर, अपना ही दुकान है, अपना ही दुकान है. तुम छोड़ो, शादी कर रहे हो? तुम शादी करो, मेरी तरफ से ये हाथ गिफ्ट. नेल्स कराओ, नेल्स कराओ. अभी जिम से ही पकड़ लिए देखो भैया. हेलो, उनकी शादी अच्छे नेल्स करना, अच्छे वरना तुम्हारे नेल्स निकाल दूंगी. उसका नाम नहीं लेना. जाओ भाई, हम कितने बुरे लग रहे हैं.